हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले दो दिनों से सहारा के पीड़ित निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। यह जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि भारत में 13 करोड़ सहारा के निवेशक हैं जो काफ़ी दुखी हैं। उन्हें अब लगता है कि सरकारी स्तर से या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। पिछले 10 साल से वो न्याय के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ऐसे में अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। सरकारी घोषणा, कोर्ट का आदेश, इसके बाद भी सहारा के निवेशकों को रिफंड नहीं मिल पा रहा है। कल 28 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पुलिस का रवैया बहुत ही ख़राब था। किसान आंदोलन के समय आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से मोदी सरकार किसान आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस को एक हथियार के रूप में यूज़ कर रही थी। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सहारा के गरीब निवेशकों के ऊपर पुलिस का रवैया काफ़ी दमनात्मक था। लाठी चार्ज हुआ, कुछ लोगों के सर फटे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या बल प्रयोग किए, किन किन हथकंडों को अपनाया। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में अभी तक ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते सहारा के निवेशकों को पैसा नहीं मिला है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं उससे पैसा मिलेगा या फिर मिलने में कितना समय लगेगा। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे अंत में कि अब जिस तरह से कल सरकार ने हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जिस प्रकार से सरकार ने आंदोलनकारियों को पीटा, जिस प्रकार से सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया, उसको देखते हुए अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए कि जिससे हम निवेशकों को तुरंत ही सहारा का डूबा हुआ पैसा मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। अगर आप में धैर्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप आंदोलनकारियों के साथ नहीं हैं, आपके पास 15-20 मिनट नहीं है आप हम लोगों की बात सुनने के लिए, तब आप वीडियो को ना देखें या फिर स्किप करके भी देखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा जिसको अगर आप नहीं जानेंगे तब आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा सुझाव आपको पसंद आए, तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुँच सके जिन्हें उस जानकारी की नितांत आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल 28 दिसंबर को आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ क्या। आप लोगों को पता ही है कि 27 दिसंबर को हमारे कुछ साथी ट्रेन का लेट होने के चलते या फिर दूसरे अन्य कारणों से काफ़ी देरी से पहुंचे थे। ऐसे में भीड़ काफ़ी कम थी, जिसको देखते हुए इस न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने पुलिस से निवेदन किया कि हमें 28 तारीख को भी जंतर मंतर पर आंदोलन करने की अनुमति दी जाए। पुलिस ने 28 दिसंबर को भी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर आंदोलन करने की छूट दी। इसके बाद 28 दिसंबर को काफ़ी संख्या में, यह संख्या करीब 25-50 हज़ार के आसपास रही होगी, लाखों में तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हज़ारों में काफ़ी संख्या थी, और 10 बजे से क्या सुबह 8 बजे से ही सहारा के निवेशकों का भीड़ जंतर मंतर पर लगना शुरू हो गया। करीब 25 से 30 वक्ताओं ने अपनी बात जनता के सामने, सहारा के निवेशकों के सामने रखी। सारे के सारे निवेशक काफ़ी क्रोधित हैं, सारे जमाकर्ता काफ़ी क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन्हें लगता है कि अब न्याय नहीं मिलेगा। सभी वक्ताओं का
एक यही बात कहना था कि सरकारी स्तर से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, हर जगह से हमें धोखा मिल रहा है, हर जगह से हमारे साथ छल किया जा रहा है, कोई भी हम पीड़ितों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस प्रकार सभी पीड़ितों ने एक दूसरे का दुख बांटा, एक दूसरे का दुख शेयर किया और साथ ही साथ वहाँ पर यह भी चर्चा हुई कि आगे अब क्या करना होगा। अभी इस तरह की मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक से शाम के समय दिल्ली पुलिस का करीब 100-200 की संख्या में दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची और उन लोगों ने मारपीट करना और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि अब आप लोगों का आंदोलन करने का समय समाप्त हो चुका है, अब आप लोग जंतर मंतर से उठ जाइए। जबकि निवेशकों का कहना था, जमाकर्ताओं का कहना था कि हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा हम लोग अब दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद जमाकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और अंत में कुछ जमाकर्ताओं और निवेशकों को पुलिस गिरफ्तार करके इस ठंडी रात में, जो दिल्ली में आपको पता ही है कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं, इतनी ठंड रात में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को, कुछ सहारा के निवेशकों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई और देर रात तक थाने में बैठा कर रखी। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब थी, इसके बाद भी दिल्ली पुलिस का बर्बरता का चेहरा सबके सामने दिखा। दिल्ली पुलिस किसी की बात को नहीं सुन रही थी। हालांकि कल दिन में 2-3 बजे के आसपास ऐसी खबरें आई कि नीतीश कुमार दिल्ली के जंतर मंतर के पास ही अपनी पार्टी की मीटिंग में गए हुए हैं। ऐसे में कुछ निवेशकर्ताओं ने कहा कि हम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नीतीश कुमार से भी मिलने का कोई मौका नहीं दिया और ना ही नीतीश कुमार से कोई भेंट हो पाई। साथ ही नीतीश कुमार ने भी, शायद हो सकता है कि उनके 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 पास तक यह खबर ना पहुंची हो, नीतीश कुमार ने भी इन जमाकर्ताओं से मिलना मुनासिब नहीं समझा। इस तरह से शाम के समय में पुलिस ने लाठी चार्ज करके इस आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों को थाने ले जाकर बैठाया गया। इतनी ठंडी रात में भी पुलिस ने मानवता का चेहरा को बदनाम किया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की जो पुलिस है दिल्ली में, आपको पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर मोदी सरकार के जिम्मे है, तब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार हम निवेशकों के साथ कितना खराब रवैया अपना रही है। अगर सरकार, यहाँ तक कि जो ज्ञापन सरकार को देना था निवेशकों के रिफंड से संबंधित, उस ज्ञापन को भी लेने के लिए कोई सरकारी अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं था। सरकार का यह उदासीन रवैया और साथ ही साथ जबरन निवेशकों को, जबरन आंदोलनकारियों को उनके स्थानों से उठाकर हटा देना, यह कार्रवाई दिखाता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार किसी भी तरह से आंदोलनकारियों को, निवेशकर्ताओं को उनका पैसा नहीं देने जा रही है। तो दोस्तों, यह तो थी कल का अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या हुआ। यह पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। आप लोगों को पता ही है कि 2012-13 से सहारा के विभिन्न कंपनियों में हो रहे घोटालों की खबर आने लगी थी। सहारा की बहुत सारी कंपनियां जो आरबीआई से लिस्टेड थी, आरबीआई का अंतर्गत उनको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ था बैंकिंग नॉन बैंकिंग का, वो धीरे धीरे उनका कैंसिल किया जाने लगा। सेबी के द्वारा बहुत सारी कंपनियों को जब्त किया जाना, तो ये सारी कार्रवाई 10-12 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि सहारा की सभी कंपनियों को, सभी संपत्तियों को जब्त किया जाए जब तक निवेशकों की पाई पाई नहीं चुकाया जाए। इसमें सेबी का रोल और भारत सरकार का रोल काफ़ी अहम था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी ने सहारा की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया और उनके खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी सहारा की बैंकिंग संबंधी जो रजिस्ट्रेशन था, जो परमिशन था, उसको भी कैंसिल कर दिया। हालांकि 2000
15 में यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसकी सूचना जो कि सरकारी गजट के अनुसार होना चाहिए था, अखबारों में प्रकाशन होना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी। अब जबकि सूचना अखबारों में नहीं आई, तब उसके बाद भी निवेशक जो कि गरीब थे, ठेले खोमचे वाले थे, उन लोगों को यह नहीं जानकारी थी कि सहारा का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है, उसके बाद भी पैसा विभिन्न स्कीमों में जमा होता रहा। तो कहीं ना कहीं सरकारी मिलीभगत, सरकारी उदासीनता के चलते जो काम 10 साल पहले हो सकता था वो लगातार चलते रहा और सहारा के विभिन्न फंड में पैसा जमा होता रहा, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने रद्द कर चुका था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेबी ने क्या किया कि सहारा की जितनी संपत्तियां थी उसे जब्त करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि सहारा की संपत्तियों को जब्त करके उसे बेचकर या नीलाम करके सहारा के निवेशकों और देनदारों को उनका पैसा रिफंड किया जाए। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे पीआईएल हुए, बहुत सारे केस हुए जो राज्यों में भी हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी हुए। पिनक पानी मोहंती के केस में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो संपत्ति जब्त की हुई थी, जो 25,000 करोड़ रुपये, 15,000 करोड़ रुपये जब्त हुई थी और जो इंटरेस्ट मिलाकर 25,000 करोड़ रुपये था, उसी में से 5,000 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वापस किए और कहा कि इन्हें निवेशकों को 29 दिसंबर तक रिफंड किया जाए। इसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाया और पोर्टल बनने के बाद हालांकि उम्मीद जगी कि अब सहारा के निवेशकों को रिफंड मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मोदी सरकार की चालाकी सामने आई। 99.99% आवेदनों को डिफिशेंसी का मैसेज भेजकर रिजेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आई वास किया जा रहा है। सरकार निवेशकों का पैसा किसी भी तरह से रिफंड करना नहीं चाहती है। छोटे छोटे बहाने बनाकर, छोटी छोटी कमियां दिखाकर उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है कि उनके आवेदन में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार मोदी सरकार की यह चाल अब सबके सामने खुल चुकी है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत कुछ लोगों को पैसा मिला है, जैसा कि अभी लोकसभा में सरकार ने बताया कि 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने अभी आवेदन किया है, जिसमें से मात्र सिर्फ 2 लाख लोगों को 200 करोड़ ही रिफंड किया जा चुका है। तब आप सोच सकते हैं कि 6 महीने में पोर्टल के माध्यम से कितना काम हुआ है। 3 करोड़ निवेशकों में से सिर्फ मान लीजिए 2 लाख लोगों को रिफंड करना, मतलब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, पूरी तरह से निवेशकों के साथ धोखा है। यह तो बात हो गई कि पिछले 10 सालों में, मैंने काफ़ी संक्षेप में आपको बताया कि क्या हुआ पिछले 10 सालों में, किस तरह से सहारा के निवेशकों को सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सब कोई ठगने का काम कर रहा है। वर्तमान सरकार का भी यही रोल है। अभी लोकसभा और राज्यसभा में इसके निवेश से संबंधित जानकारी मांगी गई, रिफंड से संबंधित जानकारी मांगी गई, लेकिन सही जानकारी सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं दी गई। सरकार हर स्तर पर निवेशकों के साथ झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। अब बात हम कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी का क्या रवैया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश देकर चुप बैठ गया है। दिसंबर में उम्मीद थी कि 14 दिसंबर को जो पिनक पानी मोहंती का केस है, उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरिम रिलीफ जारी करेगा, लेकिन अब इसकी तारीख भी 16 अप्रैल 2024 कर दी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की उदासीनता भी अब साफ दिखती है। अगर हम लोग बात करें सेबी के रवैये की, तो आपको पता है कि सेबी पूरी तरह से एक समय स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से यह मोदी सरकार की जेबी संस्था बन गई है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे। PACL जो कि सहारा की तरह ही एक चिटफंड कंपनी थी, PACL का जब मामला सेबी के पास अभी पेंडिंग है, अभी 10-15 दिन पहले सहारा के सेबी के पोर्टल पर
PSCL ने एक लेटर जारी किया जिसमें RTI के माध्यम से सेबी से पूछा गया था कि PSCL के निवेशकों को कितना रिफंड हुआ है, कितना रिफंड किया जाने वाला है। सारी स्थिति के बारे में जब पूछा गया तो सेबी ने कहा कि उनके पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से RM लोढ़ा कमेटी बनाई गई है। RM लोढ़ा कमेटी ही PSCL के निवेशकों के संबंध में कोई जानकारी दे सकती है। और RM लोढ़ा कमेटी ने बोला कि वो RTI के अंतर्गत नहीं आती है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेबी और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के पाले में गेंद खेल रहा है और सही जानकारी कोई नहीं देना चाहता। जब सेबी से पूछा जाता है तो बोल देती है कि RM लोढ़ा कमेटी बनाई गई, और RM लोढ़ा कमेटी बोल देती है कि हम RTI के अंतर्गत आते ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से निवेशकों के साथ ये सरकारी संस्थाएँ पूरी तरह से धोखा दे रही है, छल कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सेबी अपने मन से कर रहा है? जी नहीं, सेबी अपने मन से नहीं कर रहा, यह सरकार के निर्देश से कर रहा। अब आप बोलिएगा कि कैसे? आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी के महीने में अमेरिकी कंपनी हिडेनबर्ग ने अडानी के ऊपर घोटालों का आरोप लगाया था। हिडेनबर्ग ने कहा कि किस तरह से अडानी ने मैनिपुलेट करके, हेरा फेरी करके अपने शेयरों के दाम बढ़ाए और अरबों रुपये मुनाफा कमाया। जब इसकी बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए सेबी को निर्देश दिया और सेबी ने एक कमेटी बनाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कमेटी ने पूरी जांच करके 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट कर दी कि किसी भी प्रकार का घोटाला अडानी ग्रुप के द्वारा नहीं किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप खुद समझिए कि जब मामला अडानी के ऊपर आया तब 6 महीना में पूरी जांच कंप्लीट हो गई और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जांच रिपोर्ट भी सबमिट हो गया। और यहाँ पर जब हमारी बात आती है तो पिछले 10 साल से सरकार जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, सेबी जांच कर रही है, SFIO जांच कर रही है, और यह जाँच कभी ख़त्म होती ही नहीं है। जांच पर जांच चल रही है और डेट पर डेट मिल रहा है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिल रहा। और जब मामला अडानी का आता है तो यही सेबी 6 महीने में जांच करके अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट कर देता है, लेकिन जब बात गरीब निवेशकों की आती है तो 10-10 साल में सेबी की जांच पूरी नहीं हो पा रही है। SFIO का जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसकी जांच 5-6 साल से SFIO कर रहा है। ना तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट होती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो पोर्टल के स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो गौरव अग्रवाल अभी भी नहीं सबमिट कर पाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये सरकारी रवैया है। जब उनके लोगों के ऊपर कुछ आँच आती है तो 6 महीने में जांच हो जाती है, और जब गरीब निवेशकों की बात आती है तो 10-10 साल तक भी जांच पूरी नहीं होती है। तब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान सरकार का क्या रवैया है आम निवेशकों के प्रति। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अब पैसा मिलेगा कैसे। जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार हमारी आंदोलन के द्वारा भी बात सुनने को तैयार नहीं है, मारकर हमें उठा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, हमारे ज्ञापन को नहीं लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, सेबी स्वायत्त संस्था की जगह अब सरकार के इशारों पर काम कर रही है। तो ऐसे में अब हमारे पास बचता क्या है कि अब हमें अपना पैसा वापस मिले। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे काम अब किए जाएं कि जिसके चलते सरकार अब मजबूर हो जाए कि हमारे पैसे को वापस करे। सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले हमको एक जो आंदोलन अब शुरू हुआ है उसको रोकना नहीं है। माफ कीजिएगा, दिल्ली में जो आंदोलन 27 तारीख से शुरू हुआ है उसे अब रुकना नहीं चाहिए और एक बड़े जन आंदोलन के रूप में इसको अब बदलना होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि सहारा में 13 करोड़ निवेशक हैं। 13 करोड़ निवेशकों का मतलब है कि कम से कम अगर उनके परिवार वालों को मिला लिया जाए तो यह संख्या 30-40 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। अगर 30 करोड़ नहीं भी माने तो 20 करोड़ यह संख्या पहुँच जाती है। अगर 20 करोड़ निवेशक हैं इस देश में, और अगर मान लीजिए हर घर से अगर एक आदमी नहीं भी तो अगर 20 करोड़ में से मात्र 10% भी आदमी अगर इस आंदोलन में सहयोग करेंगे तब सरकार मजबूर हो जाएगी कि वह उनके बातों को सुने। किसान आंदोलन के आपके समय आपने देखा कि किसानों ने एक साल तक डेरा डाले रखा, उन्हें तरह तरह से बदनाम किया गया, उन्हें तरह तरह से पाकिस्तानी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो ऐसे में ही अब आपको भी एक
बड़ा आंदोलन करना होगा। अगर आंदोलन कीजिएगा तभी आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो ये सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली है। पहला। दूसरा है कि मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि मार्च से ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसे में जब सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं और उनके घर वालों को मिला ले तो कम से कम 30-40 करोड़ वोटर हैं जो कि वोट डालेंगे 2024 में, तो क्या आप 30-40 करोड़ होकर एक सरकार को नहीं बदल सकते हैं? पिछले 10 साल से इस देश में मोदी सरकार है और वो बोलती है कि हम जो चाहते हैं वही होता है, तो सरकार पिछले 10 साल से आपके पैसे को रिफंड नहीं कर रही है, आपके पैसे पर कुंडली मार कर बैठी हुई है। तो अगर आप 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार को चुनेंगे तो अगला 5 साल तो फिर आप भूल जाइए कि आपका पैसा ये सरकार वापस करने वाली है। यही मौका है कि आप 2024 के चुनावों में अपने बुद्धि विवेक से वोट कीजिए और पिछले 10 साल जिस सरकार को आपने मौका दिया और जिस सरकार ने आपको पिछले 10 साल से ठगने का काम किया, उस सरकार को एक बार बदल कर देखिए। हो सकता है कि बदली हुई दूसरी सरकार जनता की बातों को सुने और आपका पैसा रिफंड मिले। ये एक मैंने ऑप्शन बताया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसको वोट करना है किसको नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल से किसने आपको ठगने का काम किया और आपको क्या करना चाहिए। जब बात अडानी पर आती है तो 6 महीने में जांच पूरी हो जाती है और जब बात गरीब निवेशकों की आती है तो पिछले 10 साल से जांच ही चल रही है और जांच कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। तब आप अपनी बुद्धि और विवेक से खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ये तो बात हो गई कि सरकार के स्तर से। अब अगर इसके अलावा आप कानूनी रास्ता क्या अपना सकते हैं, आप जितने निवेशक हैं अधिक से अधिक लोग अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक से अधिक संख्या में PIL दाखिल होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इस पे जल्द निर्णय लें। तो मेरा आप निवेशकों से निर्णय है कि आप लोग 10, 20, 30, 50, 100 की संख्या में ग्रुप बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए जल्द से जल्द PIL लगाएं। और इससे ये एक कानूनी रास्ता है जिससे कि आपको जल्द से जल्द रिफंड हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरा उपाय है कि आप सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सहकारिता विभाग और SEBI पर ज़्यादा से ज़्यादा RTI लगाए, हर कोई RTI लगाए, रोज़ RTI दायर करें। आपको क्या जाएगा, एक पोस्टल चार्ज जो 25-26 रुपए का लगेगा रजिस्ट्री शुल्क और 10 रुपए का आपको शुल्क लगेगा RTI का, मतलब 35 रुपए के खर्च में आप अपने स्टेटस जान सकते हैं कि आपका रिफंड भले जवाब मिले या नहीं मिले। आप लोग जितने निवेशक हैं, 13 करोड़ आप निवेशक हैं, 13 करोड़ RTI आप सहकारिता विभाग और SEBI को लगाइए कि आपके पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, आपका क्या स्टेटस, आपको कब पैसा दिया जाएगा। आपका अगर रिसबमिशन आया है, आपका रिफंड डिफिशेंसी के कारण आया, उसको भी RTI से लगाइए कि आखिर क्यों डिफिशेंसी भेजा जा रहा है, मेरा जब सब सही है तो क्यों भेजा जा रहा है। तो इस तरह से आप सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। अंत में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सहारा के कुछ अधिकारियों के पर निकल आए हैं जो बोलते हैं कि हम लोन ले लेंगे, लोन लेकर 50,000 करोड़ लोन लेकर सबको चुकता कर देंगे, फिर से सहारा को ऑफिसों को खोला जाएगा। तो दोस्तों यह अब संभव नहीं है। आप जानते हैं कि सहारा की सभी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से SEBI ने जब्त कर लिया है। ऐसे में 1 चवन्नी भी लोन किसी को नहीं मिलने वाला है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें लोन मिल जाएगा तो जाके घूम ले, उनके चेहरे को देख के ही बैंक वाले भगा देंगे, उनको 1 रुपया लोन नहीं मिलने वाला है। और जो बात हो रही है कि सहारा के ऑफिस खुल जाएंगे तो इसकी भी उम्मीद नहीं है। आपको पता है कि एक ऑफिस का सेटअप करने में कितना खर्च आता है। आज 90% सहारा के ऑफिस बंद हो चुके हैं। ऐसे में स्टाफ लोग भी अब दूसरा काम कर रहे हैं, कोई भी पुराना स्टाफ आपको नहीं मिलेगा। तब अगर मान लीजिए एक ऑफिस खोलिएगा, उस पर अगर 5 स्टाफ भी आप रखते हैं तो ऑफिस खर्चा, स्टाफ का खर्चा कहाँ से आएगा। सहारा के जब सारी संपत्ति जब्त है, सारा बैंक उसका सीज है, सारा अकाउंट सीज है, तब ये ऑफिस की शुरुआत कहाँ से होगी। हालांकि कुछ सेक्टर ऑफिस चल रहे हैं, कुछ ब्रांच ऑफिस चल रहे हैं,
तो उनके थ्रू पेमेंट हो सकता है, लेकिन जो ये दावा करते हैं कि फिर से सहारा को चालू हो जाएगा, चलने लगेगा, तो आप इस तरह के किसी लोभ प्रलोभ में मत पड़िए। ये सब फालतू बातें हैं, ना तो सहारा के किसी को लोन मिलने वाला है और ना ही कोई नया ऑफिस खुलने वाला है, ये सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने डिटेल रूप से बताया कि इस आंदोलन की क्या रूपरेखा है, कल क्या हुआ, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, सरकारी रवैया क्या है, तथा आने वाले दिनों में अगर आप लोग क्या करेंगे जिससे कि आपके पैसे को रिफंड मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तब एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो वो आप कमेंट करके कर सकते हैं। धन्यवाद।